नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप आईफोन से पीसी में डेटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं विद डेटा केबल। ओके, तो देखिए आपके सामने यहां पे एक डेटा केबल है और एक मोबाइल डिवाइस है जिससे मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो यहां पे मैं कोई भी आईट्यून्स सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करने वाला हूं और कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर या फिर प्लगइन्स का यूज नहीं करने वाला हूं। तो यहां पे सिंपली आपको वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा पीसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा मेरा सीपीयू। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों कि आपको अपने कंप्यूटर को ऑन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अपने पीसी को ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सबसे पहले ये वाला जो पोर्ट है ना, ये वाला, इसको मोबाइल में डाल दूँगा और मोबाइल में डालने के बाद इसको यहाँ पर रख दूँगा और इसके बाद ये वाला जो पोर्ट है इसको मैं कंप्यूटर में लगाऊंगा। अब यहाँ पे मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पे पास करके कि यहाँ पे ना दो तरह के पोर्ट होते हैं। एक में आपका इस तरह का सिर्फ साइन बना होता है और एक में एसिस करके लिखा हुआ होता है। तो इनमें से एक पोर्ट जो होता है वो 2.0 होता है, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड होती है वो कम होती है और एक में ज़्यादा होती है। तो आपको अगर ज़्यादा जल्दी डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आप 3.0 पोर्ट वाले में लगाइए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, तो आप 2.0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब किसी किसी केस में एक वाला ब्लैक होता है और एक वाला जो होता है वो ग्रीन कलर का या फिर ब्लू कलर का या डिफरेंट कलर में हो सकता है, जनरली ब्लू कलर में होते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी एक में लगा देता हूँ। तो चलिए मैं इसी में लगा देता हूँ। अब इसको लगाने के बाद आपके सामने यहाँ मोबाइल पर चार्जर का ऑप्शन शो करेगा, क्योंकि मैं आईफोन के लिए अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मोबाइल को ना अनलॉक कर लेना है, सिर्फ आपको अनलॉक कर लेना है। एंड्रॉयड की तरह आपको कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा सेलेक्ट करने का, वॉलेक्ट करने का। तो आपको सिर्फ यहाँ पे मोबाइल को अनलॉक कर लेना है। लॉक नहीं है मोबाइल, आप देख सकते हैं ऊपर से। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है और दिस पीसी में चले जाना है। और दिस पीसी में इस तरह का आपके सामने एप्पल आईफोन करके आ जाएगा। तो आपको इसको ओपन कर लेना है, डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का, अब जनरली क्या होता है ना कि ये ब्लू कलर में होता है लेकिन अभी पूरा फिल है तो ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है। तो आप जब इसको खोलोगे तो इसके अंदर जो DCIM होता है, यानी कि जो मीडिया फाइल्स का जो फोल्डर होता है आपके एप्पल में, तो वो आपको दिख जाएगा। इसके अंदर आपका कैमरा का फोल्डर दिख जाएगा। ओके, जब इसको आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपकी सारी फाइलें दिख जाएगी। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि ये पूरा फोल्डर को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हाँ, कर सकते हो, बट यार मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से जा करके फाइल सेलेक्ट करो और फाइल सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करो। ओके, लेकिन कभी भी गलती मत करना कि ये DCIM नाम का जो फोल्डर है इसको कॉपी करके कभी भी पेस्ट मत करना भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे किस फाइल, थंबनेल्स, पता नहीं किस किस टाइप का शॉर्टकट, क्या क्या बना हुआ होता है। तो आपको सिर्फ अपना कैमरा का फोल्डर कॉपी करना है कभी भी। ओके, तो यहाँ पे इस फोल्डर पे एक बार लेफ्ट क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने लोकेशन पे चले जाना है, आपको जिस ड्राइव में कॉपी करना है या डेस्कटॉप पे करना है, जैसे मान के चलो मुझे डेस्कटॉप पे करना है या फिर मुझे एक नया फोल्डर में करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ कोई भी फोल्डर बना दिया और इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें मुझे करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा फाइल है वो यहाँ पे कॉपी होना शुरू हो चुका है। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि जो आपके आईफोन की डेटा है वो यहाँ से कट होके आपके पीसी में चला जाए, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसके बाद कट पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको अपना फोल्डर लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पर जाके आपको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। यानी कि आपका जो फाइल है वो आईफोन से मूव होकर के पीसी में शिफ्ट हो रहा है। कॉपी का मतलब है कि यहाँ पे भी रहेगा फाइल और यहाँ पे भी रहेगा। तो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने का। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो ये वाला जो नीचे का जो आप देख रहे हो ये पूरा फिल हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फाइल ट्रांसफ़र कम्प्लीट हो गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। तो यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।